हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखाड़िया। आज इस वीडियो में हम एसडीएस पेज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, जिसमें कि हम डीएनए को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, कैसे हम अगरोस जेल बना सकते हैं, कैसे हम अगरोस जेल को कास्टिंग ट्रे में कास्ट करते हैं, कैसे कॉम्ब के से हम वेल बनाते हैं और वेल्स में किस तरीके से हम डीएनए को या फिर जो भी हमारा सैंपल होता है उसको लोड करके किस तरीके से हम रन कराते हैं, वो सारा कुछ मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कराया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड या कैसे भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एसडीएस पेज के बारे में। सबसे पहले तो ये है कि एसडीएस पेज होता क्या है, उसके लिए हमको जानना होगा कि एसडीएस होता क्या है। एसडीएस एक एनायनिक डिटर्जेंट होता है जो कि एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, मतलब उसके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों तरीके के मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों, ठीक है। इसकी एसडीएस की फुल फॉर्म होती है सोडियम डोडीसाइल सल्फेट। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमें किसी भी प्रोटीन का एनालिसिस करना है तो वो प्रोटीन जो होगी वो हमको ऐसे कैसी होगी, वो कोइल्ड स्टेज में होगी, ऐसे कोइल्ड होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस कोइल्ड का तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते ना मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को हीट करेंगे। हीट करने के बाद में वो ऐसे सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाने के बाद में हम इसके अंदर एसडीएस, हमारा जो एनायनिक डिटर्जेंट है, उसके इसके अंदर डाल देंगे। जब इस एनायनिक डिटर्जेंट को हम इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी हाइड्रोफोबिक आर चेन्स होंगी वहां पे ये जो एस है ये जाकर के लग जाएगा। तो क्या होगा, ये जो एसडीएस है ये मॉलिक्यूल पे जाके ऐसे लग जाएगा, ठीक है। अब ये एनायनिक है तो जब ये मॉलिक्यूल के ऊपर लग जाएगा तो ये पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज अब कैसा कर देगा, निगेटिव, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम सोडियम डोडीसाइल सल्फेट के साथ में क्यों इसको ट्रीट कर रहे हैं। देखो बेटा, जो अमाइनो एसिड होता है ना प्रोटीन के अंदर, वो पॉजिटिवली भी चार्ज होते हैं, वो न्यूट्रल भी होते हैं और वो निगेटिवली चार्ज भी होते हैं, ठीक है। तो अब इनके चार्ज के बेसिस पे करेंगे तो हम एक मॉलिक्यूल को नहीं निकाल सकते, उसके अंदर अगर डिफरेंट अमाइनो एसिड है तो क्या करना होगा कि हमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट इनको देना होगा जिससे कि मॉलिक्यूल के ऊपर, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक यूनिफॉर्म चार्ज आ जाए। तो यूनिफॉर्म चार्ज लाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम डोडीसाइल सल्फेट के साथ में इसको ट्रीट कर देते हैं। उससे क्या होता है, ये इसके अंदर अगर पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है, कोई भी है इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर, जब हम इसको हीट करते हैं तो जब ये सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, तो इसके ऊपर डोडीसाइल सल्फेट जाकर के लग जाता है। डोडीसाइल सल्फेट क्या करता है, इसके जो रियल आइडेंटिटी होती है उसको वो हाइड करके पूरे के ऊपर निगेटिव चार्ज दे देता है। तो इससे क्या फायदा होता है कि अब जिस मॉलिक्यूल को हम एनालाइज कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल अब यूनिफॉर्मली निगेटिवली चार्ज है। हीट करने से पहले डोडीसाइल सल्फेट, सोडियम डोडीसाइल सल्फेट डालने से पहले वो मॉलिक्यूल के अंदर अमाइनो एसिड पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, न्यूट्रल थे, हमको नहीं पता। अब जब हम हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब वो क्या है, वो निगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चार्ज का कोई भी दिक्कत हमारे को एनालिसिस में करने के लिए नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने क्यों इस्तेमाल किया, मैं एक बार से फिर रिपीट कर देती हूँ। देखो, हम हमारे प्रोटीन को यूज कर रहे हैं सोडियम डोडीसाइल सल्फेट के साथ में, यूज नहीं कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं सोडियम डोडीसाइल सल्फेट के साथ में, जो कि एक एनायनिक डिटर्जेंट है, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं हमारे प्रोटीन को डीनेचर करके उसके ऊपर यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज लाने के, ठीक है। कितनी बार समझ में आ गई, हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब भी प्रोटीन हमारी सोडियम डोडीसाइल सल्फेट के साथ ट्रीट हो जाएगी तो वो दोबारा से उसी नेचुरल फॉर्म में नहीं आएगी, वो डीनेचर्ड ही रहेगी उसके ऊपर जब डोडीसाइल, सोडियम डोडीसाइल सल्फेट आकर के लग जाएगा, ठीक है। इसमें कैसे होता है कि ये जो होती है, ये सोडियम डोडीसाइल सल्फेट जो होता है, ये हाइड्रोफोबिक आर चेन जो होती है अमाइनो एसिड की, उसके ऊपर जाकर के इंटरेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे लगाया थी, यहाँ पे यानी कि अमाइनो एसिड की हाइड्रोफोबिक आर चेन होगी,
तो वहां पे जाके लग गया, ये यहाँ पे लग गया, यहाँ पे यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो अब सारे में लगने से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज हो गया। और ये जो चार्ज इसके ऊपर लगा है ये इरिवर्सिबल है, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता है। ये मॉलिक्यूल जो है प्रोटीन का अब अपनी पुरानी स्टेज में नहीं आ सकता है। अब हमको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर जो अमाइनो एसिड थे वो पॉजिटिवली चार्ज थे, निगेटिवली चार्ज थे, या फिर न्यूट्रल थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना आपको पता लग समझ में आ गया है तो आपको पता बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पर जो माइग्रेशन माइग्रेशन वेलोसिटी है, वेलोसिटी माइग्रेशन वेलोसिटी है, वो अब चार्ज पे नहीं डिपेंड करेगी। अब किस पे डिपेंड करेगी, मास पे। क्यों? क्योंकि चार्ज तो हमने क्या कर दिया, सारा का सारा निगेटिव कर दिया। ठीक है, तो चार्ज के ऊपर तो अब ये बेस होगा नहीं, है ना, कि पॉजिटिव चार्ज पहले जा रहा है, निगेटिव चार्ज पहले जा रहा है, ये न्यूट्रल पहले जा रहा है, ये वाली बात तो रहेगी नहीं, क्योंकि हमने पूरा का पूरा मॉलिक्यूल सोडियम डोडीसल्फेट सल्फेट के साथ में ट्रीट करके कैसे कर दिया, निगेटिवली चार्ज कर दिया। तो अब हम ये बड़े आराम से कह सकते माइग्रेशन वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी लॉगरिथमिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। कैसे होगी, वेलोसिटी जो होगी यहाँ पर मॉलिक्यूल की, माइग्रेशन वेलोसिटी जो होगी वो लॉगरिथमिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। समझ पा रहे हैं इस बात को, क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने मास 10 टाइम इंक्रीज किया, जो वेलोसिटी है वो 1 यूनिट, 1 यूनिट गिर जाएगी। ठीक है, अगर मैंने मास 100 टाइम इंक्रीज किया तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो 2 यूनिट डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करने पर जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, सपोज हम ये ग्राफ बनाने लगे, ये हमारा मास है और यहाँ पर ये हमारा डिस्टेंस है, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो चलिए अब हम SDS का हमको समझ में आ गया है कि हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे SDS फेज के बारे में पढ़ना। ठीक है, चलिए SDS पेज, SDS पेज में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपनी जो भी डिजायर्ड प्रोटीन है उसको ले लेंगे, उसको हीट करेंगे, प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन को हीट करेंगे, उसके अंदर यूरिया डाल देंगे। ठीक है, जब वो स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो हम उसके अंदर SDS डिटर्जेंट को डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, जिससे कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाए, निगेटिवली चार्ज हो जाए यानी कि वो डिनेचर हो जाए प्रोटीन। ठीक है, फिर उसके अंदर हम क्लोरीन, ठीक है, प्रोटीन SDS और ट्रैकिंग डाई डालते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग डाई हम कौन सी लेते हैं, मेनली हम लेते हैं बोरोफिनोल ब्लू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं BPB। ठीक है, ब्रोमोफिनोल ब्लू जो डाई का हम इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं जिससे कि हमको पता रहता है कि हमारा मॉलिक्यूल कहाँ तक पहुंचा। अगर डाई नहीं होगी ना तो वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो जेल के ऊपर हमको पता नहीं चलेगा और हमारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम ट्रैकिंग डाई भी डाल देते हैं। ट्रैकिंग डाई डालने के बाद में क्या होता है कि जब हमारे मॉलिक्यूल को हम रन करते हैं हमारी जेल के ऊपर, तो उसके अंदर सबसे आगे जो रहेगी वो क्लोरीन होगी। ठीक है, क्लोरीन के बाद में यहाँ, ठीक है, और उसके लास्ट में यहाँ पर ग्लाइसिन होगा। ठीक है, इसके अंदर ट्रैकिंग डाई, SDS, प्रोटीन, क्लोरीन, उसके साथ में हम यहाँ पर ग्लाइसिन भी डालेंगे, ग्लाइसिन भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, हमारा ऐड करने का मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस हमारा ये है कि क्लोरीन जो है वो यहाँ पे हमारे जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल है उसके लिए रास्ता साफ करेगी, सबसे पहले ट्रैक करके वहां पे पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा डिजायर मॉलिक्यूल है वो अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर मास हमारा यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो ज्यादा स्पीड से रन करेगा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो कम स्पीड से रन करेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमारा ग्लाइसिन होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर बेंड शार्पनिंग ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा क्लोरीन, फिर प्रोटीन SDS और फिर हमारा ग्लाइसिन। ठीक है, इस वाले सीक्वेंस में सबसे आगे हमारी ट्रैकिंग डाई डाई होगी, ट्रैकिंग डाई। ठीक है, ये हमारा RBC का SDS पेज का पिक्चर है। ठीक है, इस तरीके से इसमें सेपरेशन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम जितनी भी कौन कौन से स्टेन को हम यूज कर सकते हैं उसकी ये लिस्ट है।
कॉमेसी ब्रिलियंट ब्लू डाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सिल्वर स्टेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम ये दोनों ही डाई यूज की जाती है, स्टेन्स यूज किया जाते हैं, और साइप्रो डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लूरोसेकेमाइन डाई का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारा जो सब्सटेंस है, जो मॉलिक्यूल है, वो रेडियो एक्टिव है, तो हम उसकी रेडियो एक्टिव काउंटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए हम रेडियो एक्टिविटी जेल स्लाइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना समझ आने के बाद में अब हम देखेंगे कि एसडीएस पेज का हम नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग कंडीशन में कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एसडीएस पेज को अंडर नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग कंडीशंस। देखो, अगर नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन है तो हमको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन क्या होगी, जहां पर कि कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा, और कोवेलेंट इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए हमें हीट, यूरिया और एसडीएस काफी है। ठीक है, तो इसके लिए हमको किसी भी अलग चीज की जरूरत नहीं है। अब कंडीशन कब आती है, जब हमको रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़े। अब रिड्यूसिंग एजेंट हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमको डाइसल्फाइड बॉन्ड तोड़ना होता है। क्या करना होता है, जब हमको डाई सल्फाइड बॉन्ड तोड़ना होता है। डाई सल्फाइड बॉन्ड तोड़ने का एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि हमारा इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है, ये हो गई हमारी हैवी चेन, और ये हो गई हमारी लाइट चेन, दोनों लाइट चेन। और ये दो लाइट चेन और हैवी चेन है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है, बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम नॉन रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो ये चेन नहीं टूटेगी, और हमारा जो रीडिंग आएगी उसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा इम्यूनोग्लोबिन इंटैक्ट होगा। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग अगर कंडीशन हमने दी तो हमारा जो बैंड आएगा वो सिर्फ ये आएगा। सपोज ये जो लाइट चेन है ये 25 की है, डेल्टन किलो डेल्टन की है, और ये 50 किलो डेल्टन की है। ठीक है, 25 + 50 ये हो गया, 25 + 50 ये हो गया, तो इन टोटल कितना हो गया, 150। तो 150 किलो डाल्टन की हमारे पास एक बैंड आ जाएगी अगर हम यहाँ पर कंडीशन नॉन रिड्यूसिंग है। लेकिन अगर हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट को डाल दें तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से, बीटा मरकेप्टो इथेनॉल, और ठीक है दूसरा क्या है, डाई थायो थ्री टोल, जिसको कि हम DTT भी कह सकते हैं। ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दोनों क्या काम करेंगे, ये मॉलिक्यूल के अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा उसको तोड़ देंगे। ठीक है, अगर हम रिड्यूसिंग कंडीशन में अब अपने इस मॉलिक्यूल का, इम्यूनोग्लोबिन के मॉलिक्यूल का एनालिसिस करते हैं तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट डालते ही इनका जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो टूट जाएगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटने से क्या होगा, इसकी लॉन्ग चेन, लाइट चेन और हैवी चेन, ये दोनों की दोनों अलग हो जाएंगी, तो हमारे पास बैंड ऐसे आएगा। ये हो गया हमारा लाइट चेन, लाइट चेन, लाइट चेन का वेट कम होगा इसलिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और ये होगा हमारा हैवी चेन, हैवी चेन जो कि डिस्टेंस थोड़ा कवर करेगी क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। ये 50 किलो डाल्टन का होगा और ये 25 किलो डाल्टन का होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी, अगर रिड्यूसिंग एजेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, वो जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे उनको तोड़ देगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटने के बाद में यहाँ पे हैवी और लाइट चेन का हमारा मॉलिक्यूल का सेपरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन में है तो यहाँ पर हम सिंपल हमारा हीट, यूरिया और एसडीएस का इस्तेमाल करेंगे। हीट, यूरिया, एसडीएस से क्या होगा कि कोई भी बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं टूटेगा तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल का सेपरेशन होगा किसका होगा, वो पूरा पूरा इंटैक्ट मॉलिक्यूल हमारे एनालिसिस में आएगा, वहां पे सेपरेशन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा एसडीएस पेज के बारे में है। तो आई होप आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा है, हमारे सोडियम डोडीसाइल सल्फेट के बारे में, हमारे एसडीएस पेज के बारे में, और एसडीएस पेज अंडर नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग कंडीशंस के बारे में, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।